हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीपीआर किचन। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी की बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें हम आधा ग्लास दूध और आधा कप चीनी डालकर चीनी के घुलने तक उसे मिला लेंगे अच्छे से। चीनी दूध में अच्छे से घुल जाने के बाद अब हम उसमें एक छोटी कटोरी से एक कटोरी सूजी डाल देते हैं और सूजी को अच्छे से पकने तक हम इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सूजी अच्छे से फूल चुकी है और पक भी चुकी है। पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है सूजी ने। हम थोड़ी देर के लिए इसे और इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और गोल आकार में हम इसे सेट कर लेते हैं। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें फुल फ्रेश क्रीम डालेंगे हम। और ये ग्रिलर है, देखिए इससे क्रीम जो होता है बहुत अच्छे से निकलती है। आप घर में ही चाहे तो क्रीम अपने बना सकते हैं। तो हम क्रीम को अब अच्छे से मलाई को डाल के इससे बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी। और हम फिर से इसे ग्रिल कर लेते हैं। देखिए हमारी क्रीम बनना शुरू हो चुकी है। हमारी क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने जो सूजी को गोल शेप में सेट किया था उस पे हम इस क्रीम को लगा देंगे। हमें चारों तरफ अच्छे से क्रीम को लगाना है सूजी के। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और इसे मैंने जेली से, फ्रूट जेली है इससे, मैं इसे सजा ले रही हूँ अच्छे से। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेते हैं। हमारा सूजी केक बनकर तैयार हो चुका है मिनटों में ही। इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।